ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने कोडेक्स के कुछ बेसिक पर बात की थी। मेनली फोर ब्रैकेट्स आपको बताए गए थे, नोटोकोर, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल ए एंड द डोर्सल होलो सीएनएस। उसके बाद यदि हम क्लासिक केसेस की बात करें तो देखते हैं, बिकॉज बच्चे क्लासिक केसेस एंड द ओरिजिन ऑफ द कोडेक्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और वो भी 1 मार्क्स का। ठीक है, तो एक बार वापिस देख रहे हैं क्लासिक केसेस। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं किंगडम एनिमल का। किंगडम एनिमल इसको हम क्लासिफाइड करते हैं मेनली टू फाइलम के अंदर, वन इज द नॉन कोर्टेक्स एंड सेकंड इज द कोर्टेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ परजेंस और द सेंस ऑफ द नोटोकोर्स, कि कौन से फाइलम में नोटोकोर परजेंट है और कौन से में अब्सेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नोटोकोर किंगडम एनिमलिया क्लासिफाइड इनटू द टू फाइलम, वन इज द नॉन कोर्टेक्स और द नॉन कोर्डेटा एंड सेकंड इज द कोर्डेटा। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोर नॉन मीन्स की अब्सेंट, तो नॉन कोर्टेक्स के अंदर जो नोटोकोर है वो क्या होता है, अब्सेंट। तो नॉन कोर्टेक्स में क्या है, अब्सेंट ऑफ नोटोकोर, लेकिन कोर्टेक्स के अंदर क्या होता है, नोटोकोर परजेंट होता है। तो कोर्टेक्स में ये जरूरी नहीं है कि नोटोकोर कंप्लीट लाइफ तक परजेंट रहे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एनिमल के लार्वा स्टेज में नोटोकोर है लेकिन एडल्ट फॉर्म में नहीं है। कुछ में क्या है कि जो नोटोकोर है वो रिप्लेस हो जाता है ना, तो यहाँ पे कोर्टेक्स के अंदर नोटोकोर तो है लेकिन कुछ स्टेज में भी हो सकता है या फिर कंप्लीट। ठीक है, नॉन कोर्टेक्स की बात करें तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं कुछ फाइलम में, जैसे कि आप लोगों ने आपके फर्स्ट सेम में एंड सेकंड सेम में स्टडी की थी नॉन कोर्टेक्स में, फाइलम कोरिफेरम कर चुके आप ऑलरेडी स्टडी, स्लेंड्रेट्स, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलिमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का एंड द इकाइनोडर्मेटा। मोलुस्का एंड इकाइनोडर्मेटा और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा मीन्स की हाफ कोर्डेट्स, हेमिकोर्डेटा। तो ये सारे फाइलम कौन से है, नॉन कोर्डेट्स, लेकिन आपकी सिलेबस में इस बार क्या है, कोर्डेट्स। तो कोर्डेट्स भी क्लासिफाइड होता है इनटू द 3 सब फाइलम। ठीक है, दिस इज द फाइलम एंड ये फाइलम मेनली 3 सब फाइलम में क्लासिफाइड होगा, कौन-कौन से, यूरोकोर्डेट्स, सिफेलोकोर्डेट्स एंड द वर्टेब्रेट्स को हमने क्लासिफाइड किया इनटू द 3 सब फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द नोटोकोर, यूरोकोर्डेट्स, सिफेलोकोर्डेटा एंड लास्ट इज द वर्टिब्रेटा या फिर वर्टिब्रेट्स। यूरोकोर्टेक्स, यूरो मीन्स की क्या होता है, टेल। यूरोकोर्टेटा के अंदर नोटोकोर कहां पे परजेंट होगा, मेनली इन द टेल रीजन। नोटोकोर परजेंट इन टेल रीजन, लेकिन मेनली किसके, लार्वा के अंदर। लार्वा के टेल के अंदर ही क्या परजेंट होता है, नोटोकोर। मीन्स की जैसे लार्वा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करेगा किसमें कन्वर्ट होगा, एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट में तो टेल है ही नहीं, एडल्ट में जो टेल नहीं है तो एडल्ट में नोटोकोर भी नहीं होगा। एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होता है, हड मानिया। एग्जांपल है इसका हड मानिया। ठीक है, यूरोकोर्टेट्स का एक और नाम है जिसको हम
हम बोलते हैं टूनिकेट्स, आल्सो नोन एज द टूनिकेट्स। सिपेलोकॉर्टिक्स की बात करें तो सिपेलो में सी क्या होता है, हेड। तो सिपेलोकॉर्टिक्स के अंदर नोटोकोर कहां पे प्रेजेंट होगा, इन द हेड रीजन। वर्टिब्रेट्स की भी बात करें तो आप सबको पता है हम सब क्या है, वर्टिब्रेट्स, लेकिन हमारे अंदर नोटोकोर नहीं है बल्कि एक क्या है यहाँ पे, वर्टिब्रेट कोलम। हम सब ह्यूमन बीइंग के अंदर वर्टिब्रेट कोलम होती है, तो वो कहाँ से आई, जब नोटोकोर है उसका क्या हुआ, चेंजेस नोटोकोर में कोई ना कोई चेंज हुआ, और किसके अंदर चेंज हो गई, वो वर्टिब्रेट कोलम में। मीन्स की नोटोकोर रिप्लेस बाय द वर्टिब्रेट कोलम इन द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दिस इज द थ्री सब फाइलम ऑफ द कॉर्टेक्स। अब जो वर्टिब्रेट्स है उसको हम अगेन क्लासिफाई करते हैं इन द टू सब डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ द जॉ। तो कल मैंने आपको बताया था मेरी दो यहाँ पे है, एक है एगनेटा जिसको आप एगनेटोस्टोमेटा भी बोल सकते हो या फिर गनेटोस्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ द जॉ। वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ जॉ वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड into two subdivision of the vertebrates on the basis of jaw. One is the agnatha ya fir agnathostomata bhi bol sakte ho. Second is the gnathostomata. A means ki upset. तो एक नेटवर्क में क्या होता है कि वो एनिमल जिसमें जॉज क्या होते हैं अपसेट, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, एक नेटवर्क के अंदर जॉज अपसेट। लेकिन गनेटोस्टोमेटा इसमें कौन से एनिमल आते हैं, वो एनिमल जिनमें क्या होते हैं जॉज प्रेजेंट, ठीक है। अब जो गनेटोस्टोमेटा है इसको अगेन हम क्लासिफाई करते हैं इन टू द टू सुपर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटिव ऑर्डर। तो लोकोमोटिव ऑर्डर के बेस के ऊपर हमने इसको अगेन टू सुपर क्लास में क्लासिफाई किया। गनेटोस्टोमेटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं टू सुपर क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटिव ऑर्डर। वन इज द पीसीज एंड सेकंड इज द टेट्रापोडा। पीसीज के अंदर कौन सा लोकोमोटिव ऑर्डर है, फिन, बिकॉज आप सबको पता है कि पीसीज मेनली फिश, फिश क्या है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक है तो यहाँ पे लोकोमोटिव ऑर्डर क्या होगा, फिन। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में जो लोकोमोटिव ऑर्डर है वो क्या होते हैं, लिम्स। तो आप सबको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या होता है, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोकोमोशन। तो हम भी किस में आते हैं, टेट्रापोडा के अंदर। पीसीज है इसको हम क्लासीफाई करते हैं टू सब क्लास ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोस्केलेटन। तो इसकी मेनली यहाँ पे दो क्लास होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। वन इज द कॉन्डिसाइट्स मींस की कार्टिलेजन फिशिंग एंड सेकंड इज द ऑस्टोसाइट्स मींस की बोनी फिश, ठीक है। तो जितनी भी कार्टिलेजन फिशिंग आती है वो सारी किसमें आती है, कॉन्डिसाइट्स। एंड जितनी भी बोनी फिश आती है वो मेनली किसमें आती है, ऑस्टियोसाइट्स में। अब जो टेट्रापोड है इसकी भी मेनली फोर क्लासेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन। वन इज द एम्फीबियन, सेकंड इज द रेप्टाइल्स, थर्ड इज द एवर्स एंड फोर्थ इज द मैमल्स।
एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवस एंड मैमल्स। एम्फीबियन के अंदर जो स्किन है वो कैसी है? थिन एंड मोस्ट। रेप्टाइल्स की यदि हम बात करें तो रेप्टाइल्स की जो स्किन है वो मेनली कवर होते हैं बाय द स्केल। एंड द एवस, एवस आप सबको पता है बर्ड्स, बर्ड्स में मेनली क्या होते हैं? फीबर। तो जो एवस की जो स्किन है वो कवर होती है बाय द फीबर। एंड द मैमल्स, मैमल्स में आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है? हेयर। तो हमारी जो स्किन है वो किससे कवर होती है? बाय द हेयर। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम एनिमल। डन।